हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेसुपर कौर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज मैं डेमो से स्टार्टिंग कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वीडियो। तो अगर आपके ओपन पोर्स हैं या ऑल ओवर आपको स्किन की क्वालिटी अच्छी करनी है, ब्राइटनिंग इफेक्ट लाना है, तो इस तरह से ये आइस क्यूब्स बनाकर रख लीजिए। ये टोनिंग का काम भी करते हैं, आपकी स्किन को लाइक टाइटन और ब्राइटन दोनों करते हैं। और अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है या फिर मेकअप से पहले आप प्राइमर नहीं लगाना चाहते, आप ये बर्फ यूज़ कर लीजिए। आपका प्राइमर की तरह काम करेगा, लॉन्ग लास्ट करेगा मेकअप और पसीना बिल्कुल नहीं आएगा। अभी ज़्यादा बात नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एनीवे, सबसे पहले हमको पानी एक कप के करीब आप बॉईल कर लीजिए और उसमें चावल, कच्चे चावल धोकर आप भिगो, बॉईल करने हैं आपने, ठीक है। आप चाहें तो ब्राउन राइस भी ले सकते हैं, बट देन राइस, वाइट राइस विल ऑल्सो वर्क। धो लीजिएगा एंड उसके बाद इसमें जो राइस वाटर है, आप जानते हैं कोरियन ब्यूटी में और हर जगह पर राइस वाटर के बेनिफिट्स, ब्यूटी बेनिफिट्स बहुत हैं। मैंने पहले भी राइस की क्रीम्स बना रखी हैं, राइस के पैक्स बना रखे हैं, बट ये बहुत अच्छा तरीका है और आराम से आप इसको 10-15 दिन, लाइक 2-3 वीक्स फ्रीज़र में आप रख दीजिए जमा कर, जब भी ज़रूरत है। इनफैक्ट रोज़ एक आइस क्यूब आप ये लगाएंगे, आई प्रॉमिस यू आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ओपन पोर्स और यूथफुल स्किन होगी, ग्लो बहुत अच्छा आएगा और स्पेशली जो पसीना आता है ना यार, वो पसीना भी आना कम हो जाएगा। मेकअप से पहले करेंगे तो प्राइमर का काम करेंगे ये आइस क्यूब्स। एनीवे, मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ 1 चम्मच और वहाँ पर मैंने चावल उबलने रखी हैं, ठीक है। एलोवेरा जेल मैं यहाँ पर खादी का ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं फॉर दैट मैटर, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी, नहीं तो लोकल एलोवेरा जेल मिलता है। प्लीज़ फ्रेश एलोवेरा जेल मत लीजिए बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता, आपको अच्छा लगता है ले लीजिए, बट इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव। एनीवे, जब चावल आपके नॉर्मली जैसे पकाते हैं, मेन बात है लेस आ जानी चाहिए, जो स्टार्च होती है ना चावलों की, ठीक है। इसमें मतलब मैंने 1 से 1.5 चम्मच चावल लिया है, सो इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स मैक्सिमम गरम गरम पानी में। उसके बाद आप राइस वाटर, ये क्लाउडी वाटर जो है, छान लीजिए और पानी को हमने ठंडा करके फिर एलोवेरा जेल में डालना है। गरम पानी, इसका जो स्टार्च निकली है उसको गरम पानी, उसका गरम ना मिक्स करें एलोवेरा जेल में, बेनिफिट्स कम हो जाएंगे। तो ये ठंडा ठंडा आप मिक्स कर लीजिए, दैट्स इट। कंसिस्टेंसी आपके ऊपर है, मैं वाटर ही रख रही हूँ सीरम लाइट, और बस इसको मैं फ्रीज़र में जमा दूंगी। रोज़ एक आइस क्यूब आपको नहा कर जब आप आते हैं, रोज़ आप एक लगा लीजिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आइस क्यूब को आप कपड़े में, मसलिन क्लॉथ में या किसी रुमाल में लपेट कर लगा सकते हैं, तो उससे मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसमें 2-3 नीम की पत्तियां चावल के साथ उबालेंगे तो एंटीसेप्टिक हो जाएगा। अगर आपकी स्किन पे कोई एलर्जी है, किसी भी तरह का कोई दाने, दाग धब्बे भी ठीक करेगा, बिकॉज राइस वाटर इज़ वेरी वेरी गुड इन दैट। तो प्लीज़ आप ये बात समझ जाइए, आपको दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन या कोई भी प्रॉब्लम है, बेसिकली पिगमेंटेशन को ये क्योर नहीं करता बट स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी करता है, लेकिन ओपन पोर्स को आपकी स्किन को टाइटन करता है। और मुझसे लोग पूछते हैं कि हम 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, तो ऑफकोर्स आप 12 ईयर्स के हैं और कितने भी उम्र के हैं, मेल फीमेल सब यूज़ कीजिए। एक ब्राइटनिंग आपको जब भी मेकअप करना है ना, मेकअप करने से 15 मिनट पहले आप एक आइस क्यूब, आधा आइस क्यूब थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए कर लीजिए, आई प्रॉमिस यू आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, प्लीज़ यार, मैं बोलने के लिए नहीं बोलती, मैं दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ यार, जेसुपर कौर फैमिली का हिस्सा बनिए। और इस तरह से आप वीडियोस में, अपनी रिपोर्ट्स में देखती हूँ, एनालिटिक्स में आप वीडियो देखते हैं और चल देते हैं, मतलब दैट्स वेरी बैड यार। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको हल्का सा भी फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब तो कीजिए यार, मुझे हौसला अफजाई की ज़रूरत है। और मैं आपको फेस पे भी करके दिखा रही हूँ, आपने 2 मिनट से ऊपर नहीं करना, ठीक है। तो कहीं जाना है, कुछ है, ग्लो के लिए ज़रूर करें, एंड दैट्स इट। नाउ आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ। और कमेंट्स भी ज़्यादा कीजिए यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं, बिफोर आफ्टर की आपने बनाया, आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोज़, अपने रिक्वेस्ट डालते रहिए। आई लव यू ऑल।